Good morning, student. This is Arjun Chaudhary. Welcome to Golden Public School. बच्चों आज हम use of has to अथवा have to का use सीखेंगे. कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और has to अथवा have to का यूज होता कहाँ है उसको हम लोग देखेंगे. देखते हैं पहले पहचान कैसे हम पहचानेंगे कि यहां पे हैज टू का प्रयोग होगा या हैज टू का प्रयोग होगा, किसका यूज होगा. देखना यहां पे कह रहे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम लोग हैज टू अथवा हैव टू का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है या करते हैं. ठीक है, करते हैं. ओके, और इसमें मजबूरी दर्शाई जाती है. क्या है? कंपल्शन. कंपल्शन में क्या होता है? मजबूरी. इसमें मजबूरी दर्शाई जाती है. जैसे कहा जाए मुझे काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है. उसे उसे लिखना पड़ता है, ये क्या है? एक मजबूरी है. जहां पे मजबूरी दर्शाई जाए, जहां पे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं ऐसा वर्ड अगर आ जाए तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? हैज टू अथवा हैव टू का यूज करोगे. जैसे कुछ हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं कैसे हमको ट्रांसलेट करना है. यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज अथवा हैव प्लस टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है. ये स्ट्रक्चर है, ट्रांसलेट से हम लोग सीखते हैं. जैसे कहा गया है सुरेश को फसल काटना पड़ता है, तो सुरेश को फसल काटना पड़ता है तो क्या लिखोगे? सबसे पहले सुरेश, उसके बाद हैज टू अथवा हैड टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. प्लूरल नाउन के साथ हमें हैव टू लगाना है और सिंगुलर के साथ हैज टू लगाना है. ओके, तो सुरेश क्या है? सिंगुलर है. यहां पे सुरेश हैज टू, इसका रूल भी मैं आपको बताया था. सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद पीछे से हम लोग आगे की तरह पढ़ते चले जाते हैं. ये रूल आपको बताया भी हूं. सबसे पहले सुरेश आ गया, उसके बाद पढ़ता है इंग्लिश हैज टू, उसके बाद काटना की इंग्लिश कट, उसके बाद सुरेश हैज टू कट द क्रॉप्स, ओके. इसी तरह नेक्स्ट करेंगे हम लोग, किसान को खेत जोतना पड़ता है. किसान को खेत जोतना पड़ता है कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले आपको किसी इंग्लिश लिखनी है किसान की, उसके बाद पीछे से आगे की तरफ एक एक वर्ड आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है, आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा. तो पहले किसान की इंग्लिश क्या होता है? द फार्मर, उसके बाद पढ़ता है द फार्मर हैज टू, पढ़ता की इंग्लिश क्या बताया मैंने? हैज टू. द फार्मर हैज टू जोतना की इंग्लिश प्लाउ, उसके बाद द फील्ड, प्लाउ द फील्ड. ओके, नेक्स्ट करते हैं, हमें अपना पार्ट याद करना पड़ता है. सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? हमें वी हैव टू लर्न आवर लेसन. ओके, नेक्स्ट कैसे करेंगे? माता जी को मसाला पीसना पड़ता है. द मदर हैज टू ग्रेंड, द मदर हैज टू ग्रेंड द स्पाइसेस. ओके, इस तरह जो हम लोग हैज टू अथवा हैव टू का यूज करते हैं और खुद आप प्रैक्टिस करो. खुद आप जो है अगर 2-3 बार इस वीडियो को आप देखोगे आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा और खुद एक्सरसाइज कुछ मैं और
अगले जो है अपने वीडियो में कुछ एक्सरसाइज दूंगा, आप जो उसको सॉल्व करके उसे ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके, थैंक यू।